फ्रेंड्स, हमने इसमें चार्जिंग लाइन और गैस का मीटर जब लगाया तो देखा कि इसमें जो हमारी गैस मीटर में शो कर रहा है, वैक्यूम में शो कर रहा है, यानी कि इस फ्रिज में जो है चौकिंग है। तो फ्रिज की चौकिंग को कैसे रिमूव करें, कैसे सही करें, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपके फ्रिज में चौकिंग है, तो हमें इसका जो ड्रायर है, ड्रायर कैपिलरी को हल्की हल्की आँच से, ड्रायर को और कैपिलरी को हल्की हल्की आँच से दोस्तों गर्म करना है, और इसका जो कंडेंसर है उसको भी गर्म करना है। और देखिए, धीरे धीरे जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसकी चौकिंग खुलने की संभावना रहती है। और फ्रिज को स्टार्ट ही रखना है दोस्तों, ये आपको जानकारी दे दूँ। फ्रिज को आप स्टार्ट रखें और इसकी कैपिलरी पीछे और ड्रायर और कंडेंसर को आप हल्के हल्के हीट करें। उसके बाद आपको फ्रीजर भी जो है इसका हल्की आँच से हीट करना पड़ेगा। हल्के हल्के आँच से फ्रीजर को भी आप गर्म करेंगे, और फ्रीजर को जब आप गर्म करेंगे धीरे धीरे, तो इसकी चौकिंग खुलने के 90% चांसेस रहते हैं। यदि उसके बाद भी फ्रीजर की चौकिंग नहीं खुलती है, फ्रिज की चौकिंग नहीं खुलती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको इसका ड्रायर और कैपिलरी बदलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, हमने इसका फ्रीजर हल्की आँच से इसको भी ऊपर नीचे से गर्म किया। इसको गर्म करते समय थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर इसमें फाइबर होता है, प्लास्टिक का बॉडी होती है इसकी, फ्रिज की। तो दोस्तों, हमने इसको देखिए हल्के हल्के आँच से गर्म किया है फ्रीजर को, और पीछे अभी आपने देखा हमने उसके ड्रायर को, कैपलरी को और कंडेंसर को सबको गर्म किया। पहले आप ड्रायर, कैपलरी और कंडेंसर को गर्म करेंगे, उसके बाद आप फ्रीजर को हल्की आँच से ऊपर नीचे चारों तरफ हल्के हल्के आँच से गर्म करेंगे, और आप देखेंगे कि देखिए अब हम देखते हैं हमारे मीटर में क्या शो कर रहा है। तो देखिए, आप मीटर देख पा रहे होंगे, मीटर में हमारी सुई उठ गई है, वैक्यूम में सुई जा रही थी, वैक्यूम से ऊपर आ गई है। अब देखिए धीरे धीरे, क्योंकि अभी इसमें जो हमने हीट किया है इसलिए इसकी सुई काफ़ी ऊपर है, 15-20 PSI दिखा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ये अपनी जगह आ जाएगी सुई, और हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देगा। आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें जो है धीरे धीरे इसकी जो सुई है मीटर की वो नीचे आने लगी है। क्योंकि इसको गर्म किया गया है इसलिए इसका जो प्रेशर हाई हो गया है, इसलिए ऊपर दिखा रहा है। देखिए धीरे धीरे इसकी सुई नीचे आने लगी है, और 8 से 10 PSI इसमें गैस होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मीटर अपनी जगह आ जाएगा। और देखिए, हमने इसको गर्म किया, इसकी चौकिंग प्रॉपर तरीके से खुल गई है। अब हम देखिए, इसका जो कंडेंसर है वो भी अच्छे से हीट होने लगा है, और हमने फ्रीजर में देखिए, हम देख रहे हैं तो फ्रीजर में भी बर्फ़ आने लगी है, हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने फ्रिज में यदि चौकिंग है तो आप चौकिंग को सही कर सकते हैं। सबसे पहला इसका जो इलाज है वो यही है कि आप इसको हल्के हल्के आँच से गर्म करेंगे, ड्रायर को, कैपलरी को और फ्रीजर को, तो चौकिंग खुलने की संभावना 90% बन जाती है, 90% चौकिंग खुल जाती है। उसके बाद हमने इसका वाल निकाल के, इसकी चार्जिंग लाइन अपनी निकाल के इसको फिट कर दिया है, और ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ये कूलिंग करने लगा है। तो दोस्तों, यदि आपके फ्रिज में चौकिंग की प्रॉब्लम हो, क्योंकि जाड़ों में ये समस्या अक्सर हो जाती है, चौकिंग की अगर प्रॉब्लम हो, कई बार गैस डालते समय भी चौकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, चौकिंग की, फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने फ्रिज की चौकिंग की समस्या को हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।